सेक्स लिंक्ड इन ह्यूमन बीइंग। इससे पहले जो हमने बताया था वो ड्रोसोफिला की कहानी सुनाया था, अब हम ह्यूमन बीइंग में बना रहे हैं। तो इसमें दो एग्जांपल हमने एक्सप्लेन किया है, एक कलर ब्लाइंडनेस, एक हीमोफीलिया। कलर ब्लाइंडनेस यानी वो पर्सन जो इससे अफेक्टेड होता है वो रेड और ग्रीन कलर के बीच में डिफरेंस नहीं कर पाता है, कैन नॉट डिस्टिंग्विश। और ये जो कलर ब्लाइंडनेस है ये एक सिंगल जीन से कंट्रोल होता है जो कि एक्स क्रोमोसोम में होता है। इसके अलावे वन पेयर एडिशनल जीन भी होता है जो इसको कंट्रोल करता है, लेकिन वो ऑटोसोम पे होता है। द सीबीएस कंट्रोल बाय टू लिंक जीन्स रेसेसिव टू नॉर्मल विजन्स, रेसेसिव टू नॉर्मल विजन्स यानी जब ये अपना इफेक्ट रेसेसिव कंडीशन में होता है और आता है यानी हेटरोजाइगस कंडीशन में ये मास्क हो जाता है, ढक जाता है। होमोजाइगस कंडीशन में ये अपने आप को एक्सप्रेस करता है, जिसको हम इस एग्जांपल से लेकर के बनाया है। यहां पर हमने सेक्स क्रोमोसोम को खाली लिया है, तो डबल एक्स फीमेल में होता है, उसके ऊपर एक कलर ब्लाइंडनेस का जीन डाल दिया, तो चूंकि ये हेटरोजाइगस कंडीशन है इसलिए इसको हम कैरियर कहेंगे। और ये दोनों सेम टाइप है, कोई जीन नहीं है तो नॉर्मल हो गया, दोनों पर जीन है तो अफेक्टेड हो गया। और फीमेल में, मेल के कंडीशन में चूंकि एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है इसलिए ये अफेक्टेड होगा और ये नॉर्मल होगा। इसका हमने एक क्रॉस यहां पर मैंने किया है कि एक कलर ब्लाइंडनेस मैन की शादी नॉर्मल फीमेल से कराया, होमोजाइगस, नॉर्मल का मतलब हुआ होमोजाइगस। अब इसका जो गैमेट बनेगा ये बनेगा ये बनेगा ये बनेगा ये बनेगा, तो इसमें क्रिस क्रॉस मैकेनिज्म होता है। टाइम को सेव करने के लिए, सीधा बताने के लिए हमने ऐसे किया है, जब इसको हम इससे क्रॉस कराएंगे तो ये जायगोट बनेगा, इसको जब हम इससे कराएंगे तो ये जायगोट बनेगा, इसको जब इससे कराएंगे तो ये जायगोट बनेगा, ये जायगोट। तो ये इस पूरे चार में से 50% मेल है, 50% फीमेल है। तो कोई भी मेल यहां पर अफेक्टेड नहीं है, मीन्स 100% फ्री। और यहां पर कोई भी फीमेल भी अफेक्टेड नहीं है, कैरियर का मतलब हुआ कि जीन इज प्रेजेंट लेकिन कोई सिम्टम्स उसमें दिखाई नहीं देगा, तो इसलिए ये कैरियर हो गया। दूसरा एक एग्जांपल हमने और लिया है जस्ट रिवर्स कंडीशन में, यानी कैरियर फीमेल को का क्रॉस करा दिया मैंने नॉर्मल अफेक्टेड मेल से, यानी एक कैरियर वोमेन यानी हेटरोजाइगस वोमेन, यहां पर हेटरोजाइगस कंडीशन भी लिखा जा सकता है, एक हेटरोजाइगस वोमेन की शादी एक अफेक्टेड मैन से करा दिया, तो इसका इसी तरह से गैमेट बना यहां इस कंडीशन में, फिर जब इसको इससे फ्यूज किया तो ये कंडीशन आया, इसको इससे फ्यूज किया तो ये कंडीशन आया, सब फीमेल को एक तरफ कर लिया, मेल को एक तरफ हम करने के लिए ऐसा किए हैं, फिर इसको इससे फ्यूज किया, इसको इससे फ्यूज किया, तो यहां पर ये देखते हैं कि 50% तो फीमेल हुआ, 50% मेल हुआ। अब 50% फीमेल में तो खाली फीमेल का लेंगे तो ये 100% हो गया, तो 100% में देख रहे हैं कि 50% अफेक्टेड है और 50% कैरियर है। यहां पर 50% नॉर्मल है और 50% जो है वो क्या कहते हैं अफेक्टेड है। तो अब कलर ब्लाइंडनेस होता क्यों है, ये एक ट्राइकोमेटिक है। ट्राइक्रोमेटिक का मतलब क्या हुआ, तीन फोटो रिसेप्टर सेल से ये गवर्न होता है, तीन तरह का फोटो रिसेप्टर सेल होता है जो कि कोन सेल में पाया जाता है। ये कोन सेल के अंदर विजुअल पिगमेंट होता है, वो पिगमेंट जो है लाइट सेंसिटिव होता है, वो डिफरेंट वेवलेंथ, डिफरेंट पिगमेंट, विजुअल पिगमेंट होता है, वो डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट से सेंसिटिव होता है। जैसे एक ब्लू यानी जो शॉर्ट वेव है, इसको हम शॉर्ट वेव सेंसिटिव कहते हैं, और ये हो गया मिडिल वेव सेंसिटिव कहते हैं इसको, और ये लॉन्ग वेव सेंसिटिव सेल कहते हैं इसको। अब ये इस जो है, ये जो कोन के अंदर जो वो पिगमेंट होता है और पिगमेंट का जो प्रोटीन पार्ट होता है
उस प्रोटीन पार्ट को हम ऑक्सिन कहते हैं। उस प्रोटीन पार्ट को हम क्या कहते हैं? ऑक्सिन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सिन कहते हैं। और वो प्रोटीन कंपोनेंट ऑफ पिगमेंट जो कि 7 ट्रांस मिम्ब्रेन प्रोटीन से बना हुआ है। ट्रांस मिम्ब्रेन का मतलब क्या हुआ? ये मिम्ब्रेन है, ये इसे क्रॉस कर जा रहा है इस तरह से, दोनों तरफ है। और जिस तरह से कि जी प्रोटीन यानी ग्लोबुलर प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर सेल जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर या माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के ऊपर या क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन के ऊपर, तो उसी तरह से ये प्रोटीन होता है और ये रिसेप्टर्स इन रेटिना होता है। और रेटिना जो सेंसिटाइज होता है वो लाइट से होता है, इसीलिए जब उसके ऊपर डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट पड़ता है तो उसके अंदर जो कोन सेल है वो कोन सेल डिफरेंट वेवलेंथ लाइट को करता है और कलर विजन का रिस्पॉन्सिबल होता है। ये ऑक्सिन जो है ये 3 जीन से बना हुआ है। एस जीन जो कि SWS ऑक्सिन को बनाता है यानी ब्लू कलर, जो कि क्रोमोसोम नंबर 7 पर है। क्रोमोसोम नंबर 7 पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा एम जीन MWS यानी ग्रीन ऑक्सिन, उसी तरह से एल जीन रेड ऑक्सिन, और छोटे से बुक में रिडॉक्सिन लोग कहते हैं इसी को रिडॉक्सिन, जबकि ये नहीं है। और हाई लेवल पर ये सब जानना जरूरी है कि इस तरह से 3 जीन हुआ, एस जीन एम जीन एल जीन। तो एस जीन तो क्रोमोजोम नंबर 7 पे होता है, लेकिन एम एंड एल जो है ये एक्स क्रोमोजोम पर होता है और एक्स क्रोमोजोम के भी क्यू आर्म पर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डीप है थोड़ा। और ये दोनों जीन जो है म्यूटेशन के अंदर जाता है। म्यूटेशन के अंदर जाने की वजह से इसलिए जो है हाइब्रिड जीन बनाता है। जब हाइब्रिड जीन बन जाएगा तो उसको वन जीन हम ट्रीट करते हैं, और पॉसिबली यही वन जीन रिस्पॉन्सिबल है कलर ब्लाइंडनेस के लिए, जिसको हमने यहाँ पर दिखाया है। और जैसे दिखाया मैंने वहां पे, तो ये जो है 3 टाइप्स का होता है। डाइक्रोमेट्स यानी जो बिल्कुल ही रेड और ग्रीन कलर को पहचान नहीं पाता है। दूसरा एनोमेलस यानी हल्का फुल्का पहचान पाता है रेड और ग्रीन को। दूसरा है, तीसरा है ड्यूटेरो एनोमल्स, रेड और ग्रीन कलर का डेफिशिएंसी होता है यानी बहुत कमी आ जाती है। और ब्लू कलर जो है जो बिल्कुल ही रेड और ग्रीन को नहीं पहचान पाता है और ये कलर विजन जो है ये एब्सेंट होता है। ये था पूरा कलर ब्लाइंडनेस की इंटरनल बात है।